गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हेयर अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.9 क्वेश्चन नंबर 1। अ फादर इज थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। आफ्टर 12 इयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर फादर है एंड सन है, तो दो वेरिएबल कौन से हो गए, फादर की एज एंड सन की एज। सो एज ऑफ सन, लेट्स टेक एज ऑफ फादर फर्स्ट। ओके, लेट मी मेंशन दिस हियर। जब हमें मेंशन करना है एक्स यानी कि फादर की एज, तो क्या हमें ये मेंशन करना ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ प्रेजेंट एज ले रहे हैं। डेफिनेटली हमें यही मेंशन करना है, जो हमें फाइंड आउट करना है ना, हम उसी को यहाँ पर अज्यूम करते हैं। एज ऑफ फादर, इसकी जगह आप लिखिए प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन विल बी वाई, ठीक है। अच्छा, आपको ध्यान होगा इन क्वेश्चंस को करने का हम पैटर्न क्या यूज़ करते हैं। हम एक तो ये वाला फंक्शन करेंगे और 12 इयर्स बाद वाला फंक्शन हम साइड में करेंगे, याद है। तो देखिए अब क्या कहता है ATQ, ATQ कहता है अ फादर इज थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। यानी कि फादर और सन, इन दोनों की एज को अगर हम कंपेयर करते हैं ना, तो कहते हैं कि फादर सन की एज का थ्री टाइम्स है। तो इसका मतलब ये हुआ, सन की एज को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फादर की एज आ जाएगी, राइट। आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स माइनस 3y = 0। मैंने 3y को यहाँ मूव किया और आपकी बना दी फर्स्ट इक्वेशन। हम क्यों इक्वेशंस में काम करते हैं, क्योंकि सारा का सारा काम इन्हीं इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम साथ साथ इक्वेशन बनाते जाएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट ने हमें क्या इक्वेशन दी, x = 3y, क्योंकि x कौन है, फादर की एज है। 3y यानी कि सन की एज है। तो हमने बताया कि जो फादर है वो सन की एज के 3 टाइम्स है, यानी x = 3y के। और 3y हमने वहाँ मूव किया, x - 3y = 1। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। इन्होंने बताया आफ्टर 12 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन। अब 12 साल के बाद कुछ अलग होगा, क्या अलग होगा, 12 साल के बाद जो सन की एज है वो और फादर की एज में, यहाँ 3 टाइम्स था ना, यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन कब, आफ्टर 12 ईयर्स। क्या आफ्टर 12 ईयर्स फादर एक्स ईयर्स के रहेंगे, फादर की एज बढ़ के एक्स प्लस 12 हो जाएगी। सन के साथ भी यही होगा, ये हो जाएगा y + 12 ईयर्स, ठीक है। ये है फादर, ये है सन। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, सन जो है ना उसकी एज का ट्वाइस, सन की एज को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब फादर की एज आएगी। ये कहती है आपकी सेकेंड स्टेटमेंट। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी, x + 12 = सिंप्लीफाई कैसे होगा, फर्स्ट आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये हो गया आपका 2y + 24। x - 2y = 24। अब मैं 12 जो यहाँ प्लस का है वहाँ मूव कर रही हूँ, -12। x - 2y = 12। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस आ गई है, अब सॉल्व करना आपको आता है, जल्दी से पॉज कीजिए और अपने आप सॉल्व कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन वी हैड x - 3y = 0। क्या कर सकते हैं हम, तो सीधा x को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या करके, सिर्फ साइन चेंज करके, है ना, एलिमिनेट हो गया, माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया। जीरो पे हालांकि कोई साइन नहीं होता, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे बचा आपका सिर्फ y = 12। y कौन है, सन। तो सन की प्रेजेंट एज आ चुकी है, सन कितने साल के, 12 इयर्स के। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फादर हो जाएगा 12 × 3 यानी कि 36 इयर्स के। तो यहाँ पर आप मेंशन कीजिए सन इक्वल्स 12 इयर्स एंड फादर इक्वल्स 36 इयर्स। आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो योर आंसर मे नॉट बी कंसिडर्ड, मार्क डाउन हो जाएंगे आप इसके लिए। सो एवरी टाइम यू कंप्लीट द क्वेश्चन जस्ट मेंशन इट। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 10 इयर्स लेटर ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी एंड 5 इयर्स अगो ए वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी। वट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। तो हमारे वेरिएबल्स क्या होंगे, हम लेंगे ए की प्रेजेंट एज को एक्स
एंड बी के प्रेजेंट एज को वाई ले लेंगे और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज of A equals X and present age of B equals Y. अब यहाँ पर दो comparison है, एक comparison कहते हैं 10 years later और एक comparison कहते हैं 5 years ago का। दोनों comparison हम अलग अलग state में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं 10 years later की और यहाँ पर हम बात करते हैं how much 5 years अगो, ठीक है। 10 years later क्या होगा, x और y क्या हो जाएंगे? अगर हम 10 years बाद की बात करें तो दोनों 10 years ज़्यादा आगे हो जाएगी दोनों की प्रेजेंट एज। तो हमने पहले ही मेंशन कर दिया ये प्लस 10, ये प्लस 10 है ना। और अगर हम 5 years अगो की बात करें यानी 5 साल पहले की बात करें तो x और y यहाँ पर -5 -5 हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हमने सिर्फ मेंशन कर लिए दोनों की प्रेजेंट एज से कंपेयर करके कि 5 साल पहले एज क्या होगी और 10 years के बाद एज क्या होगी। अब आते हैं क्वेश्चन पर, विच इज़ 80Q। 10 years लेटर ए विल बी ट्वाइस, ए कौन है ना, ये ट्वाइस होगा किसका, एज ओल्ड एज बी, यानी ए जो है ना बी का ट्वाइस होगा। तो इसका मतलब जो है ये ए है ये बी का ट्वाइस हो गया, इतना ईजी है इसको करना। ए बी का ट्वाइस मतलब टू टाइम्स, यहाँ पर ट्वाइस हो सकता था, टू टाइम्स हो सकता था, डबल हो सकता था, तीनों कंडीशन में हमें यही करना है, क्या करना है, टू से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं भूलेंगे कि जो टू है ना वो इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पर आप लोग अक्सर क्या करते हैं ना, सिर्फ यहाँ पर टू लिख देते हैं और सोचते हो गया, ये 10 भी तो टू टाइम्स होगा, यानी कि यहाँ पर पूरा जो वेरिएबल है, पूरी जो पॉलिनोमियल है उसी को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट के बाहर लिखना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं 5 years अगो पर। 5 years अगो ए वॉज 3 times एज ओल्ड एज बी। 5 years अगो ना जो ए है वो बी से कितना था, 3 times था, यानी कि ए बी का 3 times था, है ना। बीच में आप इक्वल का साइन लगा दीजिए, 3 times कर दीजिए, हो गया। अब ये दोनों पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे, आपकी दोनों इक्वेशंस रेडी हो जाएगी। लेट्स डू इट। x प्लस 10 इक्वल्स 2y प्लस 20। यहाँ पे क्या होगा, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x 2y हम यहाँ लाएंगे, माइनस 2y इक्वल्स 20, यहाँ पर है 10 वहाँ गया तो हो गया माइनस का 10, सॉरी 20 और माइनस का 10, यानी कि सिर्फ 10 बना, इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या करें, x माइनस 5 तो ऐसे ही है, यहाँ पर क्या होगा, 3 और y मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 3y, माइनस 3 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 15। अब हमें x और y के वेरिएबल एक तरफ करने हैं, यानी हम करेंगे x माइनस 3y, माइनस का 15 यहाँ ऑलरेडी है, ये 5 वहाँ जाएगा और हो जाएगा प्लस का 5, माइनस 15 प्लस 5, जल्दी से बताइए कैलकुलेट करके, माइनस 10 ऑफ कोर्स है ना, माइनस 10 हो गया, आ चुकी है हमारी दोनों इक्वेशंस। अब आप पॉज कीजिए और जल्दी से इसे अपने आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। आई एम श्योर आप लोग अच्छे से अब कर सकते हैं। x माइनस 2y इक्वल्स 10 और x माइनस 3y इक्वल्स माइनस 10, माइनस प्लस प्लस ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा सिर्फ y इक्वल्स 20। y कौन है, y है b की प्रेजेंट एज, राइट। तो हमें मिल जाएगी x की भी, a की भी प्रेजेंट एज कैसे निकालें, किसी भी इक्वेशन से। लेट्स से हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल्स 10। तो यहाँ से हम लेते हैं x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल्स 10, x माइनस 40 इक्वल्स 10, तो x हो गया 10 प्लस 40, x हो गया 50। हमारे पास x आ चुका है, y आ चुका है, हो गया काम। लेकिन हम मेंशन ज़रूर करेंगे कि ए की जो प्रेजेंट एज है ना वो कितनी है, ए की प्रेजेंट एज हो गई 50 years। आप मेंशन कीजिए यहाँ पर, शॉर्टकट में कीजिए लेकिन ज़रूर कीजिए मेंशन। और बी की प्रेजेंट एज हो गई ओनली 10 years, आई गेस, ओ 20 years, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज़ हाउ वी सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A is elder to B by 2 years.
बी से 2 years एल्डर है। यहाँ पर 2 years एल्डर होने का मतलब 2 times नहीं है। अगर ए की एज एक्स है तो वाई की एज है एक्स प्लस 2, है ना। 2 years ओल्डर होने का मतलब 2 times नहीं होता है। मान लो ए अगर 7 years का है तो बी जो है वो 5 years का होगा। बी छोटा है ना 2 years, ए बड़ा है। तो ए की एज अगर 7 years है तो बी की एज होगी 5 years। समझ आए? 2 years ओल्डर होने का मतलब और 2 times होने का मतलब। वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट कहते हैं, एज फादर एफ इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सिस्टर एस। अब यहाँ पर ए के फादर की बात हो रही है और बात हो रही है सिस्टर की भी। क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया है। यहाँ पर ये कह रहे हैं एज फादर एफ इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। ए के फादर जो है ना, जो एफ है वो ए से ट्वाइस है। ए से ट्वाइस होने का मतलब फादर की एज ए से डबल है। अब यहाँ पे 4 कैरेक्टर आते हैं, है ना, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है क्रिएट हो, बट दैट्स फाइन। ए के फादर एफ है जो ए से डबल है। डबल होने का मतलब ये हुआ, ट्वाइस होने का मतलब ये हुआ कि अगर ए की एज है 20 years तो फादर की एज होगी 40 years, राइट। हिज सिस्टर एंड बी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर एस। लेकिन जो बी है ना वो अपनी अपनी सिस्टर एस की एज का ट्वाइस है। इफ द एज ऑफ फादर एंड सिस्टर डिफर बाय 40 years फाइंड द एज ऑफ ए। तो आप स्टार्ट करते करना, जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको सबसे ज़्यादा इजी है अगर हम 1 वेरिएबल में करते हैं तो। अगर आपके पास यू नो ऑप्शन मेंशन नहीं है तो आप 1 वेरिएबल में भी कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी रहता है। लेकिन हाँ, 2 वेरिएबल में करना है तो हमें दोनों वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहले बात करते हैं ए और बी के बारे में, क्या मेंशन है। हम मान लेते हैं जो ए है ना उसकी एज हो गई एक्स ईयर्स, है ना, और बी की एज 2 ईयर कम है। या एक काम करते हैं, हम बी की एज को मान लेते हैं एक्स, तो जो ए है ना वो अपने आप हो गया एक्स प्लस 2 ईयर्स, है ना, क्लियर है। क्यों? क्योंकि जो ए है वो बड़ा है। कितने साल बड़ा है? 2 ईयर्स बड़ा है, है ना, 2 ईयर्स। अब आते हैं ए के फादर पर, एज फादर एफ, यानी कि हम एफ के बारे में बात कर रहे हैं। एफ इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, यानी एफ जो है ना इनका ट्वाइस है। ट्वाइस होने का मतलब क्या हुआ, मुझे डबल करना है एक्स प्लस 2 का, है ना, क्योंकि फादर जो है ए की जितनी भी एज है उसका ट्वाइस है। तो ए की एज तो थी एक्स प्लस 2, तो ट्वाइस हो गया 2 से मल्टीप्लाई करके। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो आ गया 2x plus 2, ये आ गई एफ की एज, क्लियर। अब हम आते हैं सिस्टर की एज पर। सिस्टर की एज, हाँ, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर एस। अब ये जो बी है ये अपनी सिस्टर, जो इनकी सिस्टर है एस, एस की सिस्टर का डबल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बी है ना वो अगर एस की एज का डबल हुआ तो एस की जो भी एज है आप ये कह सकते हो ये एक्स बाय 2 होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि देखिए जो सिस्टर है ना उनकी एज का डबल बी है, यानी कि सिस्टर जो है ना बी से छोटी है। कितनी छोटी है? हाफ छोटी है, क्लियर हुआ। फिर से देखें, अगर हमारा बी 40 years का है लेट्स से, तो सिस्टर कितने ईयर्स की हुई? वो तो 20 years की हुई, क्योंकि डबल किसकी एज है? ट्वाइस किसकी एज है? बी की एज है। बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर एस। तो बी तो हमें पहले से पता है कि एक्स है, तो सिस्टर जो हुई उसको हम ट्वाइस नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टर की एज को निकालेंगे तो हम हाफ कर देंगे। अब पूरा क्वेश्चन देखो टर्न हो चुका है आपका 1 वेरिएबल में। अब आप 1 वेरिएबल से सॉल्व कर लेंगे, निकल आएगा आंसर। कैसे? बहुत इजी है। आगे का क्वेश्चन देखिए, इफ द एज ऑफ फादर एंड सिस्टर, फादर कौन है? ये है फादर 2x plus 2, और सिस्टर की एज है x बाय 2। दोनों का डिफरेंस है 40 years का, दोनों को माइनस कर दो, x की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। ये तो था 1 वेरिएबल का आंसर। एक बार ये कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको 2 वेरिएबल्स में बताती हूँ। क्या क्या कहा इन्होंने, जो फादर की एज है और सिस्टर की एज है उनका डिफरेंस 40 साल का है, ठीक है। तो फादर की एज हो गई x प्लस 2, सॉरी 2x plus 2, और सिस्टर की एज हो गई x अपॉन 2, ये हो गया 40 इयर्स का, राइट। अब आगे क्या होगा, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4x plus 4 minus x equals 40।
4x में से 1x यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं टू वेरिएबल्स में, देखते हैं अब आगे कैसे कैलकुलेट करना है टू वेरिएबल्स में। यहाँ फादर की एज को हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो फादर है उनकी एज है x, सिस्टर की एज को अज्यूम कर लेते हैं कि y। यही वेरिएबल हम लेते हैं, आपकी मर्जी है कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, आपको ईजी लगे तो आप यहाँ पर a और b ले सकते हैं, फादर के लिए f और सिस्टर के लिए आप s भी ले सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो मैंने यहाँ x और y ले लिया है, ठीक है। अब x और y, फादर और सिस्टर, इन दोनों की हमने एज अज्यूम कर ली। अब आते हैं क्वेश्चन पर। हमें पता है जो a है वो अपने फादर की एज के हाफ है, क्योंकि फादर उनकी एज के डबल है ना। तो अगर हमने फादर की एज को x माना है तो a हो जाएगा x बाय टू। इसी तरह का कॉन्सेप्ट b और s के बीच में था, b की सिस्टर जो है वो उन b की एज की हाफ थी, यानी b जो है वो सिस्टर की एज का ट्वाइस था, तो हमने यहाँ कर दिया 2y। ट्वाइस का मतलब हुआ टू टाइम्स, यानी टू से मल्टीप्लाई, हाफ मतलब 1/2, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, क्लियर। अब हमारी दोनों स्टेटमेंट जो बनेंगी वो इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बनेंगी। कैसे? a इज एल्डर टू b बाय 2 ईयर्स। हमने बताया कि a और b की जो एज है ना, a की एज है x बाय 2, b की एज है 2y। कौन इससे 2 साल बड़ा है? a इससे 2 ईयर्स बड़ा है ना, तो इसकी एज में अगर मैं 2 ईयर्स ऐड कर दूंगी तो a की एज आ जाएगी। b की एज में मैंने 2 ऐड किया तो हमें a की एज मिली, तो ये बन गया आपका x बाय 2 इक्वल्स। अब 2y हम यहाँ ले जाते हैं। अच्छा, आपको ध्यान होगा कि हम सीधा इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे? इसको एलिमिनेट करने के लिए हम x यहाँ रखेंगे और ये 2 जिन जिन के पास डेनोमिनेटर में नहीं है सबको मल्टीप्लाई करेगा, रूल याद है। तो ये हो जाएगा 4y प्लस 2, इस 2 को भी मल्टीप्लाई करेगा तो 4। अब ये एलिमिनेट हो गया। फ्रैक्शन में किसी भी इक्वेशन में, ये ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन के साथ ही हो सकता है, किसी भी इक्वेशन में अगर फ्रैक्शन के फॉर्म गिवन है और यहाँ पर 2 गिवन है, तो जिसके पास 2 नहीं है डेनोमिनेटर में, ये सबको मल्टीप्लाई कर देगा। 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा 4y, 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ गया। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो गया x माइनस 4y इक्वल्स 4। ये आपकी बन चुकी है फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं हम सेकेंड इक्वेशन पर। सेकेंड इक्वेशन में इन्होंने बताया, इफ़ द एज ऑफ फादर एंड सिस्टर डिफर बाय 40 ईयर्स, दोनों की एज कौन, x और y की एज का डिफरेंस कितना है, 40 ईयर्स का है। तो सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ सीधी लिख लेते हैं कि x माइनस y इक्वल्स 40, विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, अब आगे हम सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन। अब तो कर लेंगे ना, माइनस प्लस माइनस मैंने एलिमिनेट किया, यहाँ बचा माइनस का 3y इक्वल्स माइनस का 36, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 12। y कौन था? y की वैल्यू 4, हाँ माइनस 3y, यहाँ बचा 36, 12। y यानी कि सिस्टर 12 ईयर्स की, हाँ तो y की एज 12 ईयर्स अगर आई है, तो अब हम सेकेंड निकाले थे, x वेरिएबल निकाले थे, x बाई 2 इक्वल्स 2y प्लस 2। तो x की जगह x, या इस इक्वेशन में रखते, सॉरी इक्वेशन हम ले रहे हैं ये वाली x माइनस y वाली, x माइनस y इक्वल्स 40। तो इसका मतलब x की जगह x, y की जगह y की वैल्यू विच इज़ 12 40। तो x हो गया 40 प्लस 12, x हो गया आपका 52। तो x अगर 52 का आता है, यानी x किसकी एज हो गई, फादर की एज हो गई, हमें तो a की एज कैलकुलेट करनी है ना, तो a हो जाएगा फादर की एज का हाफ एज पर द इक्वेशन। तो हम a की एज यानी कि 52 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपकी आ जाएगी a की एज विच इज 26 ईयर्स। आई होप इट मेक सेंस, ईजी है। वन वेरिएबल में करना बहुत ईजी था, टू वेरिएबल्स में करना है तो आप फादर और सिस्टर इन दोनों की एज को आप x और y मान लीजिए, और ध्यान रखते हुए कि ये x और ये y है, a और b कैलकुलेट कीजिए इसी के ऊपर। जैसे b की एज को ट्वाइस कर दिया, a की एज को हमने हाफ कर दिया, तो ये हमारी इस तरह से कैलकुलेट हो जाएंगी। और आगे जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसको जल्दी से आप सेव कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
6 years hence, a man's age will be 3 times the age of his son, and 3 years ago he was 9 times as old as his son. Find their present ages. यहाँ पर बात हो रही है एक मैन और उसके सन की एज के बारे में. तो वेरिएबल्स कौन कौन से हो गए? मैन की प्रेजेंट एज, लेट्स टेक इट एक्स, और सन की जो प्रेजेंट एज है वाई इयर्स. आपको पूरा मेंशन करना है, राइट? क्या लिया हमने? मैन की प्रेजेंट एज को एक्स लिया, सन की प्रेजेंट एज को लिया वाई. अब क्या कह रहे हैं? सिक्स ईयर्स हेंस का मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, 6 years बाद की बात, यानी लेटर. क्या होगा? अ मैंस एज विल बी 3 times. तो पहले अगर हम 6 years अगो की बात करते हैं या लेटर की बात करते हैं, हम यहाँ पर 2 parts कर लेते हैं. यहाँ पर बात करते हैं 6 years हेंस की. और इसके बाद 3 years अगो की भी बात हो रही है, तो सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ बनाएंगे 3 years अगो की. चलिए, 6 years हेंस अ मैंस एज. तो मैन और सन की जो एज है, पहले ये बात करते हैं कि 6 years हेंस होगा क्या. मैन की एज हो जाएगी एक्स प्लस सिक्स, वाई की यानी उनके सन की जो एज है वो हो जाएगी वाई प्लस सिक्स. क्लियर? क्या होगा? 3 times हो जाएगी किसके? सन से. यानी कि जो फादर है वो सन की एज के 3 times हो जाएंगे. 3 times का मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया हमने. किसको? सन की एज को. तो यहाँ से आप फर्स्ट इक्वेशन निकाल लेंगे. अब आते हैं हम इस वाले पार्ट पर, 3 years अगो. तो पहले 3 years अगो का मतलब ये हुआ कि x और y जो है x माइनस 3 और y माइनस 3 हो जाएंगे. माइनस 3 क्यों किया? क्योंकि हम 3 साल पहले की एज के बारे में बात करेंगे, फादर की एज और सन की एज. तो ये कह रहा है 3 years अगो जो है फादर की एज और उसके सन की एज 9 times हो जाएंगी. कौन 9 times हो जाएगा? फादर. यानी कि सन की एज का 9 times फादर की एज के इक्वल हो जाएगा. यही मीनिंग हुआ इस इक्वेशन का. अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी. आप पॉज कीजिए और अपने आप सॉल्व कीजिए, ठीक है? यहाँ स्टार्ट करते हैं. एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स 3y plus 18. एक्स माइनस 3y इक्वल्स 18 माइनस यहाँ पर आया 6, तो बना 12. इक्वेशन नंबर 1. यहाँ क्या होगा? एक्स माइनस 3 इक्वल्स 9y minus 27. तो ये बन गया एक्स माइनस 9y इक्वल्स माइनस का 27 और प्लस का 3. प्लस का 3 होने का मतलब है कि वो माइनस होंगे. यहाँ बनेगा माइनस का 24. ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन. दोनों इक्वेशन से हम एक्स वाई कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से. तो ये हो गया एक्स माइनस 3y इक्वल्स 12 और एक्स माइनस 9y इक्वल्स माइनस 24. सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये एलिमिनेट हो गया. प्लस का 9y माइनस 3y विच इज 6y. कितना हो गया? 6 और 3, तो y की वैल्यू हो गई 36/6 विच इज 6. y मतलब सन. सन की प्रेजेंट एज आ चुकी है 6 years की, ठीक है? सन की एज आ चुकी है. मैन की एज निकाल लेते हैं. किस इक्वेशन में रखते हैं? फर्स्ट से निकाल लेते हैं, विच इज एक्स माइनस 3y इक्वल्स 12. एक्स माइनस 3 इंटू 6 इक्वल्स 12. एक्स इक्वल्स 12 प्लस 18. तो सन फादर की एज आ गई है 30 और सन की एज आ चुकी है 6. देयर यू गो विद द आंसर्स. यहाँ मेंशन कीजिए पूरा, फादर की एज इज 30 years एंड सन की एज इज 6 years. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. 10 years ago, a father was 12 times as old as his son, and 10 years hence, he will be twice as old as his son will be then. Find their present ages. तो पहली बात है हमें वेरिएबल समझ आने चाहिए. कौन कौन से वेरिएबल हैं? सन और फादर की एज. तो यहाँ पे ले लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ फादर विल बी एक्स ईयर्स एंड सन इक्वल्स वाई. आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें लिखना है कि प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज सन की है, एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स. अब आते हैं हम 80 के ऊपर. 10 years अगो की बात हो रही है और 10 years हेंस की बात हो रही है. तो हम अपनी स्क्रीन को 2 parts में कर लेते हैं. यहाँ बात करेंगे 10 years अगो की. आप पता है इस मेथड से अगर करेंगे एक एक स्टेप, तो आपकी एक छोटी सी भी गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती है.
अगर आप चीज़ें पहले से ही तरीके से नहीं करेंगे या स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, या तो ऐसा होता है कि आप पूरी प्रैक्टिस करने के बाद भी छोटी छोटी चीज़ें मिस आउट कर जाएं। तो प्रैक्टिस के टाइम पे ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ें फॉलो कीजिए। 10 years अगो की बात अगर होती है तो x कितने साल के हो जाएंगे, x प्लस 10, अगो है ना x माइनस 10, सन है y माइनस 10 का हो जाएगा तब, है ना, पहले की। और 10 years हेंस की बात अगर हम करें, हेंस मतलब फ्यूचर, राइट, तो ये हो जाएगा x प्लस 10, सन हो जाएगा y प्लस 10। 10 years अगो अ फादर वॉज 12 times, तो फादर जो है वो सन की एज का 12 times है ना, तो सन की एज का 12 time कर दो। जैसा क्वेश्चन है का हमने वैसा ही किया, क्या किया, फादर सन की एज का 12 times, यही कह रहे हैं 10 years ago, है ना, 10 years ago फादर वॉज 12 times एज ओल्ड एज हिज सन, है ना। इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करें, सेकेंड इक्वेशन के लिए कहते हैं 10 years हेंस ही विल बी ट्वाइस, ही यानी मैन, फादर विल बी ट्वाइस यानी कि सन की एज का ट्वाइस हो जाएगा फादर। तो हम समझते हैं कि 2 times लिखना, ट्वाइस लिखना, डबल लिखना, वी हैव द सेम मीनिंग, लेकिन मोर देन 2 हो जाने का मतलब होता है प्लस 2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा होता ए एंड बी, ए और बी के बारे में डिस्कशन है और ये मेंशन होता कि ए इज एल्डर देन बी बाय 2 years, तो 2 years का मतलब है कि आपको प्लस 2 करना है, वहाँ पर आपको 2 times नहीं करना है। तो 2 times है ना, डबल या फिर ट्वाइस, इन सब का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ग्रेटर देन बाय 2 का मतलब है ओनली 2 हमें ऐड करना है। इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 10 इक्वल्स 12y माइनस 120, x माइनस 12y कितना हो जाएगा माइनस 120 प्लस 10, x माइनस 12y हो गया आपका माइनस 120 प्लस 10 यानी कि माइनस का 110। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब बारी आती है सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने की, जल्दी से करते हैं। x प्लस 10 इक्वल्स 2, यहाँ भी और यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो गया 2y प्लस 20, x 2y यहाँ आया तो माइनस 2y, प्लस का 20 यहाँ पर है और प्लस का 10 यहाँ, इस तरफ मूव होगा माइनस का 10 हो जाएगा, यानी ये हो गया सिर्फ 10। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। बस आगे का काम आप अपने आप कीजिए, मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ, पॉज कीजिए, अपने आप करिए। फर्स्ट इक्वेशन आई हैव x माइनस 12y इक्वल्स माइनस 110, सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 2y इक्वल्स 10। तो मैं कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि x वेरिएबल ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने से। यहाँ मेंशन किया कीजिए आपने क्या स्टेप लिया, आपने ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, दिस इज़ रियली नेसेसरी कि आप स्टेप लिखा करें। माइनस हो गया माइनस 12 और प्लस 2, दैट विल बी माइनस 10y, यहाँ कितना बचा माइनस का 100, सो y हो गया माइनस 100 डिवाइडेड बाय माइनस 10। यहाँ पर ये गलती से भी नहीं कर देना है कि माइनस का 10 है वहाँ जाके प्लस का 10 होगा, ओके क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस का 10 y को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस तरफ जाने के बाद कि 100 के नीचे यानी कि उसको डिवाइड करेगा, यहाँ बचा 10, y इक्वल्स 10 आया। तो x निकालने के लिए आई एम पुटिंग दैट इन इक्वेशन नंबर 1, लेट्स से 2 में रखते हैं, 2 इज बिट लेस कैलकुलेटिव। x माइनस 2y इक्वल्स 10, x माइनस 2 इंटू 10 इक्वल्स 10, x माइनस 20 इक्वल्स 10, हैंस x विल बी 10 प्लस 20, है ना, माइनस 20 यहाँ मूव किया, x इक्वल्स 30। तो x यानी कि सन की, सॉरी मैन की जो एज है वो आ गई है 30 years और सन की एज आ गई 10 years। यहाँ मेंशन कर दीजिए हैंस मैंस प्रेजेंट एज इक्वल्स 30 years और यहाँ पर सन की प्रेजेंट एज लेते हैं, या फादर है तो आप फादर भी लिख सकते हैं, कितना था y की वैल्यू, दैट वाज 10 years। हाईलाइट कर दीजिए दैट दिस इज योर आंसर, देयर यू गो, क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। तो यहाँ बात हो रही है फादर और सन की एज की, तो फिर से वही चीज़ है, हम यहाँ पर अपने दोनों वेरिएबल ले लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर
is x years and present age of sun equals y years. X और y हो गया. यहाँ पर 3 years नहीं, यहाँ बात हो रही है 3 years मोर देन ट्वाइस. तो ये प्रेजेंट एज का ही कंपैरिजन है ना. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि पास्ट की एज और फ्यूचर एज का कंपैरिजन है. पहला कंपैरिजन प्रेजेंट एज का ही है. तो आप यहाँ से कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q द प्रेजेंट एज ऑफ फादर. फादर कौन है? एक्स. इज 3 years मोर देन ट्वाइस एज ऑफ सन. सन है ये. अब ये कहते हैं ट्वाइस द एज ऑफ सन, इसका मतलब हुआ सन की एज का ट्वाइस कर दो और साथ ही साथ 3 years मोर कर दो. किस में? सन की एज में. तब जाके मैन की प्रेजेंट एज आएगी. कैसे किया हमने? हमने यहाँ ये किया, इन्होंने कहा फादर की एज सन की एज की ट्वाइस है और 3 years मोर है. तो हमने पहले सन की एज को ट्वाइस किया, उसमें 3 ऐड किया, तब हमें मिलेगी फादर की एज. ठीक है, ऐसे आपके फर्स्ट इक्वेशन बनेगी. तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए. एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स 3. इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है. सेकेंड इक्वेशन में 3 years हेंस की बात हो रही है. तो इसका मतलब हमें दोनों की एज को 3 years फॉरवर्ड करना पड़ेगा. तो सन की एज और फादर की एज हो जाएगी, हेंस का मतलब हुआ फ्यूचर, है ना. तो x प्लस 3 मैन हो गया, y प्लस 3 सन हो गया. अब देखते क्या कह रहे हैं. 3 years हेंस फादर्स एज विल बी 10 years मोर. फादर की एज 10 years ज़्यादा होगी. देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, मतलब सन की एज को पहले तो आप ट्वाइस करो. आपको याद रखना है किसी भी चीज़ को ट्वाइस करना है ना, तो सिर्फ वाई का ट्वाइस नहीं होगा, पूरी एज का ट्वाइस होगा. क्योंकि बच्चे की एज सन की एज कितनी है? वाई प्लस 3 है. वाई प्लस 3 का ट्वाइस एंड 10 years मोर. जैसा इन्होंने कहा है हम वही कर रहे हैं, इसलिए हम लिखते हैं 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्या किया? सन की एज का ट्वाइस एंड 10 years मोर. किसकी एज आ जाएगी? फादर की एज आ जाएगी. वही चीज़ हमने यहाँ भी की है. थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे. x प्लस 3 इक्वल्स 2y प्लस 6 प्लस 10. अब क्या करें? x प्लस 3 इक्वल्स, अच्छा सब वेरिएबल हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं. x के पास माइनस का 2y हम लेके आते हैं. वहाँ ऑलरेडी कितना है? 16, और ये 3 वहाँ पर गया, यानी माइनस का 3 हो गया. 16 माइनस 3 हो गया 13. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहाँ है x माइनस 2y इक्वल्स 3 एंड x माइनस 2y इक्वल्स 13. यहाँ इक्वेशन में ना थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने क्वेश्चन ठीक किया है. देखिए ऐसा कभी हो सकता है x माइनस 2y की वैल्यू 3 और x माइनस 2y की वैल्यू 13. तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन चेक किया, ये एक्चुअल में 3 टाइम्स था. 3 years मोर देन 3 टाइम्स, तो मुझे इसको 3 टाइम्स करना है, है ना. तो यहाँ पर ही हमारी गलती है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी मिस्टेक है. 3 times का मतलब हुआ 3y और कितना मोर? 2 years मोर करना है, सॉरी 3 years मोर करना है. तो इक्वेशन हमारी हुई x माइनस 3y इक्वल्स 3. ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1. अब हम 1 और 2 को आगे सॉल्व कर सकते हैं. क्या करें? x माइनस 2y यहाँ पे था, x माइनस 3y इक्वल्स 3 विच इज़ इक्वेशन नंबर 1. सबट्रैक्ट करने से काम हो जाएगा ना, क्योंकि अगर ऐड करेंगे तो फिर x ऐड हो जाएगा. हमें तो सब्ट्रैक्ट करना है ताकि x एलिमिनेट हो जाए. हो गया एलिमिनेट? माइनस 2y प्लस 3y, नाउ इट्स y और 10. तो सन की एज आ चुकी है 10 years की. अब बात करते हैं फादर की एज कितनी होगी. x निकाल लेते हैं. x माइनस 3y इक्वल्स 3. x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल्स 3. x इक्वल्स 3 प्लस 30. तो x हो गया 33. यानी कि जो मैन है, फादर है, उनकी एज हुई 33 years और जो सन है, सन की एज हुई आपकी y, यानी कि 10 years. क्लियर?